गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर फाइन एट होम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू नाउ कंप्लीटेड ऑल द वर्कशीट गिवन बाय स्कूल। स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन पेज नंबर 57 डेट यू हैव टू कंप्लीट द नंबर सीक्वेंस इन द फ्लावर एंड कलर द अल्टरनेट फ्लावर्स। इसका मतलब ये होता है कि आपको इस बॉक्स में जो पिक्चर दिखाई जा रही है वो किसकी है। इस पिक्चर में कुछ फ्लावर्स बने हुए हैं, ओके? तो इन फ्लावर्स में से भी दो ही फ्लावर्स को कलर किया गया और बाकी फ्लावर्स में कलर फिल नहीं किया गया, तो इसे सीक्वेंस कहा गया। क्योंकि सबसे पहले सीक्वेंस क्यों कहा गया कि सबसे पहले एक फ्लावर बना है वो उसमें कलर नहीं है और उसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है 1010, ओके? तो उसके बाद सेकेंड जो फ्लावर बना हुआ है वो पिंक कलर का है और उसमें कौन सा नंबर लिखा गया है 11। तो 10 आफ्टर 11, 10 के बाद क्या आता है, कौन सी नंबर आती है 11। और ओके, थर्ड फ्लावर में आप देख रहे हो थर्ड फ्लावर में कलर किया हुआ है नहीं, ये खाली है। और जो फोर्थ फ्लावर है उसमें कलर किया हुआ है पिंक कलर। तो थर्ड फ्लावर में कौन सा नंबर है 1 2 12। 12 क्यों है आपको पता है? क्योंकि 11 आफ्टर 12, 11 आफ्टर 12, 11 के बाद कौन सा नंबर आता है 12। सो वी राइट नंबर आफ्टर 11 आफ्टर 12, ओके? एंड फोर्थ फ्लावर्स, जो फोर्थ फ्लावर बना हुआ है यहाँ पे, उसमें पिंक कलर किया गया है और उसमें कौन सा नंबर लिखा गया है, नंबर 1313, बिकॉज 12 आफ्टर 13, सेम ईयर 13 आफ्टर 14, ओके? इस बॉक्स में जिस तरीके से ये सीक्वेंस लिखा गया है और फ्लावर्स को, एक फ्लावर को खाली रखा गया है, फिर दूसरे फ्लावर में कलर फिल किया गया है, फिर वापस खाली, फिर फिल, एंड फिर ये फ्लावर्स में कोई कलर फिल नहीं हुआ, उसी तरह ये सेकेंड बॉक्स जो है इसके अंदर भी आपको करना है। सबसे पहले वाले फ्लावर को आपको क्या करना है, फिल, कलर फिल नहीं करना है, और सेकंड वाले फ्लावर्स में अंदर आपको जो कलर अच्छे लगते हैं, जैसे ग्रीन, जैसे यहाँ पिंक बना हुआ है तो आप यहाँ पिंक करो चाहे आप यहाँ ग्रीन करो, लेकिन सेम फिर इस बॉक्स में सेम वैसे ही आपको कलर फिल करने, एक फ्लावर में कलर नहीं करना है तो दूसरे फ्लावर में जो सेकेंड फ्लावर में कलर किया हुआ है सेम वो इस फ्लावर में कलर होगा और उसके बाद ये फ्लावर जो है इसमें कलर नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि सीक्वेंस दोनों में चलनी चाहिए। नंबर सबसे पहले यहाँ कौन सा नंबर लिखा गया है 25, ओके? 25 के बाद कौन सा नंबर आता है आपको पता है? कल हमने 1 to 50 मिसिंग नंबर कंप्लीट किए थे। ये मिसिंग नंबर में आप जब कंप्लीट करना सीख गए हो तो ये इजीली आप ये नंबर सीक्वेंस लिख सकते हो। 25, तो 25 आफ्टर 26, 2 6 26, तो आपको यहाँ कौन सा नंबर लिखना है, टू सिक्स ट्वेंटी सिक्स। और नंबर भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके लिखना है, ना ही वो इस लाइन से बाहर और ना ही बहुत ही छोटा कुछ, उस तरीके से नहीं लिखना है, एकदम प्रॉपरली आपको लिखना है ताकि ये नंबर सीक्वेंस अच्छे से आपको सीन हो सके, ओके? तो यहाँ आपको ये फ्लावर खाली रखना है, इस फ्लावर के अंदर में कलर फिल करना है और नंबर कौन सा लिखना है 25 आफ्टर 26। सेम आपको यहाँ भी इस फ्लावर में क्या करना है, कलर करना है नहीं, कलर नहीं करना है क्योंकि हमें सीक्वेंस में रखना है। एक में कलर नहीं है उसके बाद कलर है तो फिर दूसरा भी फ्लावर वैसा ही होगा, एक में कलर और फिर दूसरे फ्लावर में, उसके बाद वाले फ्लावर में कलर, ओके?
26 के बाद कौन सा नंबर आता है आपको पता है? 26 आफ्टर 27, 26 आफ्टर 27। उसी तरीके से आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है। लास्ट कॉलम में आप देख रहे हो 36, 36 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 37। उसी तरीके से आपको ये पेज नंबर 7 होमवर्क के रूप होमवर्क में कंप्लीट करना है। तो टुडेज होमवर्क इज ओके, ये आपकी आज की होमवर्क ही है और इसके अकॉर्डिंग मैंने वर्कशीट भी बनाई हुई है। मतलब वो वर्कशीट मैं आपको इस वीडियो के साथ ही आपको मैं सेंड कर रही हूँ वर्कशीट। तो आपको ये सीक्वेंस में आपको नंबर भी कंप्लीट करने हैं और ये फ्लावर को भी कलर उसी सीक्वेंस के हिसाब से करना है। ओके, नेक्स्ट पेज इज नेक्स्ट पेज नंबर 58। ओके, नेक्स्ट पेज में हमें क्या करना है? वापस हम यहाँ फिल द नंबर रॉट काउंटिंग, यानी कि सबसे पहले हमने यहाँ सबसे फर्स्ट पेज में हमने ये पढ़ा था, क्या था हमारा चैप्टर? रॉट एंड रैशनल काउंटिंग, रॉट एंड रैशनल काउंटिंग। ओके, रॉट एंड रैशनल काउंटिंग में हमने 1 से लेकर के 50 तक के नंबर लिखे थे। तो ये फिर से रिविजन हो रहा है क्योंकि ये हमारा लास्ट है पेज नंबर, जो हमें 1 to 50 तक आपको नंबर लिखने हैं क्योंकि इसके बाद हमारा काउंटिंग स्टार्ट होगा। ओके, 1 to 50 के अंदर का काउंटिंग हम सीखेंगे, तो आपको ये भी होमवर्क में कंप्लीट करना है। तो आज आपको दो दो होमवर्क मिल रहे हैं, ये सबसे पहले सीक्वेंस में ये नंबर कंप्लीट करने हैं एंड कलर को फ्लावर्स को कलरफुल करना है, और ये सेकेंड पेज नंबर भी आपको होमवर्क में मिल रहा है फिल द नंबर। ये 1 लिखा हुआ है तो 1 के बाद के 1 आफ्टर जो नंबर आता है, फिर 1 आफ्टर 2, 2 आफ्टर 3, 3 आफ्टर 4, 4 आफ्टर 5, 5 आफ्टर 6, 7, 8, 9 एंड यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है। उसी तरीके से ये आपको 50 तक कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।